अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो सिंध पुलिस कराची रेंज 480 और एसपीएफ 490 के उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपना फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और इंशाल्लाह आपको रिटन टेस्ट में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट सेंसिस ऑफ पाकिस्तान वॉज हेल्ड ऑन, यानी पाकिस्तान की पहली मर्दुमशुमारी कब हुई थी। इसके ऑप्शन है दोस्तों 1951, 1961 या 1971। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1951, जिसमें पाकिस्तान की पहली मर्दुमशुमारी हुई थी। दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बिगेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेक कौन सा है। इसके ऑप्शन है मंचर लेक या फिर केंजर लेक। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मंचर लेक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है। दोस्तों इसके ऑप्शन है मारखोर, लॉयन या लेपर्ड। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मारखोर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों इसके ऑप्शन है थर, थल या चोलिस्तान। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है थर डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। नांगा पर्वत इज द डैश्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यानी नांगा पर्वत दुनिया का कौन सा बड़ा माउंटेन है। अब इसके ऑप्शन है दोस्तों 8, 9 या 10। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 9, यानी नौवां सबसे बड़ा जो है माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। जिना बैराज इज बिल्ड ऑन, यानी जिना बैराज जो है वो किस दरिया पर है। अब इसके ऑप्शन है दोस्तों रिवर इंडस, रिवर जेहलम या फिर रिवर चनाब। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रिवर इंडस, यानी दरियाए सिंध। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। चश्मा बैराज वॉज बिल्ड ऑन, यानी चश्मा बैराज कब बना था। इसके ऑप्शन है 1960, 1970 या 1980। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1970। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं दोस्तों। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, कराची सॉरी। दोस्तों इसके अंदर आपने ध्यान देना है क्योंकि पहले जो डिस्ट्रिक्ट थे कराची के वो 7 थे, लेकिन अब एक नया डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बना है तो अब टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं कराची के 8। तो आपने 7 करके गलती नहीं करनी, आपने 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हु मेड द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ्लैग किसने बनाया था। इसके ऑप्शन है सैयद अमीरुद्दीन खिदवाई या हाफिज जालंधरी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सैयद अमीरुद्दीन खिदवाई। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। सन इज अ डैश, सूरज क्या है, स्टार है, प्लेनेट है या गैलेक्सी है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है स्टार, सन इज अ स्टार, सूरज एक सितारा है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है। इसके ऑप्शन है रिवर इंडस, रिवर रावी या रिवर जेहलम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रिवर रावी, क्योंकि दोस्तों रिवर इंडस पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं दोस्तों। बादशाही मॉस्क इज इन, यानी बादशाही मस्जिद कहाँ है, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है लाहौर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। एवरेज ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी, एवरेज ब्लड कितना होता है दोस्तों एक इंसानी जिस्म में। इसके ऑप्शन है 4 लीटर्स, 5 लीटर्स या 6 लीटर्स। तो दोस्तों इसके सही ऑप्शन है 5 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन ऑन, यानी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन का तजुर्बा कब किया था। इसके ऑप्शन है 28 मई 1998, 28 मई 1999 या 28 मई 2000। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है 28 मई 1998।
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम। इसके ऑप्शन है दोस्तों सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली खान या इस्कंदर मिर्ज़ा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है लियाकत अली खान। दोस्तों पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट जो थे वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाउ हु गिव द नेम ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका मतलब है पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था। इसके ऑप्शन है दोस्तों चौधरी रहमत अली, अल्लामा इकबाल या कायदे आज़म। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है चौधरी रहमत अली थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। दोस्तों सी, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट फीमेल फॉरिजन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली खातून वजीर खारजा कौन थी। इसके ऑप्शन है हिना रबानी खर या फहमीदा मिर्ज़ा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हिना रबानी खर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं दोस्तों। खंजराब पास कनेक्ट, खंजराब पास दोस्तों किसको कनेक्ट करता है। ऑप्शन है पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और ईरान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पाकिस्तान और चाइना। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, कराची इज कॉल्ड द सिटी ऑफ, कराची को दोस्तों क्या कहा जाता है। कॉलेजों का शहर या रोजेस का शहर या सिटी ऑफ लाइट्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों लाइट्स, कराची इज कॉल्ड अ सिटी ऑफ लाइट्स। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे आपकी रिटर्न की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। इसलिए दोस्तों आप मेरे चैनल पर नज़र रखें और मेरे चैनल को देखते रहा करें ताकि मैं मेरे चैनल के ज़रिए आपकी प्रिपरेशन भी हो। और दोस्तों इसके अलावा अगर कोई कराची पुलिस 480 या SPF 490 से मुतालिक कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आएगी तो मैं अपने चैनल के ज़रिए ज़रूर आपको बताऊँगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें।